आज मैं आपको पिज़्ज़ा डो बनाना सिखाऊंगी और उसके साथ प्लेन चीज़ पिज़्ज़ा। और क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो पिज़्ज़ा डो उनका सही नहीं बनता, तो मैं आपको फ्रॉम द स्क्रैच बताती हूँ। और ये उसके लिए हमें तकरीबन, मेरा कप कहाँ गया, तकरीबन जो है हमें 3 कप जो है मैदा चाहिए, ऑल पर्पज़ फ्लावर। ये हमारे पास तकरीबन 1 कप और 4 टेबल स्पून वाटर है, जो तकरीबन 110 जो है फ़ारेनहाइट है इसका टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और बिल्कुल ठंडा भी, क्योंकि ज़्यादा गर्म जो होगा वो ईस्ट को जो है किल कर देगा। अब उसमें तकरीबन मैंने ये 2.5 टीस्पून जो है ईस्ट डाल दिया, और इसके अंदर तकरीबन 1/2 टीस्पून जो है वो जाएगा सॉल्ट। और 1 टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर शुगर। और हम देखेंगे कि अब इसमें जब थोड़ी ठहर के इसमें बबल बनने लगें तो ये रेडी है मिक्सचर। अब इसको हम थोड़ा सा 20 सेकेंड के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ये तैयार हो गया, इसको मिक्स कर लें। इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, 1 कप 5 टेबल स्पून वार्म वाटर में, और 1 टेबल स्पून शुगर है, और 2.5 टीस्पून जो है ईस्ट है नीम गर्म पानी में। अब ये सब मिक्स हो गया, इसको हम जो है मैदे में मिला देंगे। और इसमें जो है ये 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल है, ये भी इसमें चला जाएगा। तो ये हमारी डो तैयार हो गई है। अब हम इसको तकरीबन 45 मिनट्स टू 1 आवर के लिए राइस करने रखेंगे। ये पहले इसमें मैं अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल लगा रही हूँ, ताकि वो राइस होने के बाद इसमें चिपके ना। थोड़ा सा जो है कुकिंग ऑयल इसके, एक्चुअली मैं ऑलिव ऑयल लगा रही हूँ, आप कोई सा भी ऑयल लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। इवन जो मैंने इसमें ऑलिव ऑयल मिलाया है उसकी जगह आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे जब पिज़्ज़ा जल्दी बनाना होता है, जल्दी प्रूफ करना होता है, तो मैं, मेरे ओवन में ऑप्शन है ब्रेड प्रूफ का, तो मैं उस पे कर देती हूँ, तो उससे जल्दी प्रूफ हो जाता है। तो ये मैंने इस पे कर दिया, अभी तकरीबन 20 मिनट्स में प्रूफ हो जाएगा, फिर मैं आपको आगे बताऊँगी कैसे करना है। ये देखें, मैंने प्रूफर में प्रूफ करने के लिए रखा था पिज़्ज़ा डो,
ये 20 मिनट्स में प्रूफ हो गया। और अगर आप वैसे ही किसी वार्म प्लेस पे रख रहे हैं तो आपको तकरीबन 90 मिनट्स रखना चाहिए। 90 मिनट्स में ये अच्छी तरह से प्रूफ हो जाता है। अभी तो मुझे बनाना था तो इसलिए मैंने इसमें प्रूफ किया। और आप देखिए, मैंने नीचे ऑयल का स्प्रे किया था तो ये कितना आराम से बाहर आ रहा है। अब हम इसको ऑयल वॉयल से अच्छी तरह से जो है वो कवर कर लेंगे। अब आप ये डो देखिएगा कि ये इतनी सॉफ्ट है कि इसे आपको किसी बेलन से भी मिलने की ज़रूरत नहीं है। ये बस दोनों हाथों से इस तरह से इसको स्ट्रेच करें और ये आराम से स्ट्रेच हो जाएगी। ये इतनी सॉफ्ट है कि सिर्फ इसको आप हाथ की मदद से जो स्प्रेड कर सकते हैं। और ये ट्री भी काफ़ी बड़ी है। ये पूरे जो मैंने मैदा लिया था 3 कप, इसका ये मैं एक ही बना रही हूँ, बड़ा चीज़ पिज़्ज़ा। ये तकरीबन 16 इंच का, 14 to 16 इंच होगा ये इसका डायमीटर। इसके जो मैं ना हाथ से एजेस बना रही हूँ थोड़े थोड़े। मैंने ओवन ऑलरेडी प्री हीट करने के लिए रख दिया है 425 फ़ारेनहाइट पे, और इसको जो है बेक होने में तकरीबन 14 to 15 मिनट्स लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उस टेम्परेचर पे ये बहुत जल्दी बेक हो जाएगा। देखिए, ये हमारा डो तैयार हो गया, स्प्रेड होके आपके सामने किया है मैंने। अब मैं इस पे सॉस डाल रही हूँ। और अब ये पहली पिज़्ज़ा की रेसिपी मैं बता रही हूँ, तो मैंने स्टार्ट किया है खाली सिंपल चीज़ पिज़्ज़ा से। चीज़ पिज़्ज़ा भी बहुत यहाँ पे पसंद किया जाता है और हर जगह ही, बच्चे क्या बड़े भी बहुत पसंद करते हैं। मेरे अपने बच्चे बेटे भी, वो भी चीज़ पिज़्ज़ा बहुत पसंद करते हैं। तो आज मैं सिर्फ सिंपल चीज़ पिज़्ज़ा की रेसिपी बता रही हूँ, उसके बाद मैं और कई तरह के पिज़्ज़ा की रेसिपी बताऊँगी। अच्छा, ये मिक्स चीज़ है जिसमें मोज़रेला भी है, वाइट चेडर भी है, येलो चेडर भी है, क्योंकि जो सही पिज़्ज़ा होता है एक्चुअली उसमें चेडर और मोज़रेला दोनों चीज़ होते हैं, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पिज़्ज़ा का। कुछ लोग समझते हैं कि खाली इसमें शायद मोज़रेला चीज़ डलता है, लेकिन जो ओरिजिनली पिज़्ज़ा होते हैं उसमें दोनों तरह का चीज़ मिक्स करके डाला जाता है। ये तकरीबन 350 ग्राम चीज़ है जो मैं सारी इसके अंदर डालूंगी।
ये हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। अब मैं इसको बेक करने के लिए जा रही हूँ 425 फ़ारेनहाइट पे, जस्ट 14-15 मिनट्स के लिए। मैं पिज़्ज़ा रख रही हूँ, हमारा टेम्परेचर हो गया 425 फॉर 14-15 मिनट्स। टाइमर लगा देती हूँ। तो जी हमारा पिज़्ज़ा जो है पूरे 14 मिनट्स में बेक हो गया है और ये इसकी फाइनल लुक है। मैं आपको स्लाइस करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पिज़्ज़ा चीज़ पिज़्ज़ा की फाइनल लुक है। और आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और आप किस तरह का पिज़्ज़ा चाहते हैं मैं बताऊँ आपको। और वैसे मैं आपको और डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ भी बताऊँगी। थैंक यू।